वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुल्तानी मिट्टी का एक ऐसा नुस्खा जिससे आप होने वाले हैं बिल्कुल रातों रात गोरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन हो चुकी है बिल्कुल डल और उस पर हो चुके हैं पिगमेंटेशन, फाइन लाइन और रिंकल्स, तो जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हमारा स्किन डल हो जाता है, तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो सभी स्किन प्रॉब्लम को हमारे दूर करेगी और साथ ही हमारे स्किन को गोरा बनाने में भी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, ये मुल्तानी मिट्टी का जो नुस्खा है ये सदियों से यूज़ किया जा रहा है हमारे स्किन प्रॉब्लम के लिए। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें यूज़ करने नहीं आ रहा है सही तरीके से। तो आज मैं आपको बताऊंगी सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है मुल्तानी मिट्टी को, जिससे आपका चेहरा जो भी है वो निखर कर बाहर आएगा और आपका जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो सभी को मिनटों में दूर करेगा। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी को हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग को नहीं पता होता है कि हमें सही तरीके से कैसे यूज़ करना होता है। इस वजह से हमारा जो भी स्किन प्रॉब्लम रहता है वो रह जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है और हमारा जो चेहरा है वो भी गोरा नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुल्तानी मिट्टी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाए और साथ ही हमारे चेहरे को मिले एक निखरता हुआ चेहरा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरे वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे सही तरीके से यूज़ करना है हमें मुल्तानी मिट्टी को, जिससे कि हमारा रंग भी साफ होगा, हमारा रंग भी गोरा होगा और जो भी हमारे स्किन प्रॉब्लम है वो सभी स्किन प्रॉब्लम दूर होगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जान लेते हैं हमें मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है और कितने दिनों में अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर हमें मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक खाली बाउल और फिर हम उसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी ढेले वाला, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं या पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ढेले वाला ही मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई सा भी मिलावट नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है और ये हमारे फेस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसे यूज़ करने से, और ये बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। पाउडर वाले में बहुत सारे केमिकल होता है ऑलरेडी मिला हुआ, तो मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस वाले मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसे पानी में फूलने के लिए देना होता है। तो मैं यहाँ पर पानी में फूलने के लिए दे चुकी हूँ। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फूल गया है और बिल्कुल ये मेल्ट होने के लिए रेडी है। तो पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चुटकी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, मतलब ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है वरना आपका फेस ज़्यादा येलोइश हो जाएगा, तो आपको बस 2 चुटकी ही यूज़ करना है। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर भी ऐड कर लिया है, अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट रेडी है। तो अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं अपने फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। तो आपको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने फेस पर अप्लाई करना है और आपको अपने गर्दन पे भी अप्लाई करना है इस फेस पैक को। तो फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जो कि हमारे फेस को गोरा करने में हेल्प करती है और साथ ही हमारे फेस पर जो रिंकल, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन हो जाते हैं उसे भी रिमूव करने में ये बहुत ही कारगर होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरे फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं इसे 20 मिनट तक रख लूँगी करीब सूखने तक। 20 मिनट में मेरा ये फेस पैक अच्छी तरीके से सूख जाएगा और उसके बाद फिर हमें अपने फेस को जाकर धो लेना है। मुल्तानी मिट्टी जो होता है वो हमारी पिंपल को भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। गर्मियों के दिन में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे स्किन को, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी जो होता है ठंडा होता है, तो हमारे स्किन में बहुत ही अच्छा काम करता है गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे 20 मिनट तक रखा है और ये सूख भी चुका है हल्का हल्का, लेकिन पूरी तरह से नहीं सूख पाया है क्योंकि मैंने थोड़ा मोटा परत से लगा लिया था, इस वजह से नहीं सूख पाया है। तो लेकिन मेरा 20 मिनट हो चुका है, तो अब मैं अपने फेस को जाकर वॉश कर लूँगी नॉर्मल पानी से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और फिर मैं अपने फेस को
टॉवल से हल्के हाथों से पोंछ लूँगी। आप चाहे तो नहीं भी पोंछ सकते हैं, अपने हाथों से थपथपा के इसे सुखा भी सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर इंस्टेंट ग्लो आ चुका है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश सा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आप वीक में 3 से 4 दिन एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे कि जो मुल्तानी मिट्टी होता है वो आपको ढेला वाला ही यूज़ करना है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और जो पाउडर वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जिस वजह से हमारे फेस पर वो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो ढेला वाला होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। तो आप उसे ले आए और उसका पाउडर बनाकर आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसका फेस पैक बनाएं। इससे हमारा फेस जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे फेस पर जो है साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल नेचुरल है ढेला वाला मुल्तानी मिट्टी, तो आप इसे ही यूज़ करें। तो आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।